अतिरिक्त पुलिस पुलिस जिला उपाधीक्षक श्री गुमनाराम जी ने अपनी टीम के साथ ब्रज परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक जिला डीक से श्री गुमनाराम जी ने अपनी टीम के साथ ब्रज 84 कोस यात्रा में राजस्थान में आने वाले मार्गों का निरीक्षण किया। इस समय पुरुषोत्तम मास में लाखों की भीड़ परिक्रमा दे रही है। जगह जगह जल मंदिर, भंडारा, भोजन व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था एवं साफ सफाई व्यवस्था, पानी और लाइट की सुचारू व्यवस्था के निर्देश दिए। वही दीपावली में श्री सिद्धदाता आश्रम फरीदाबाद हरियाणा से आए भंडारा चाय नाश्ता डॉक्टर के द्वारा मेडिकल टीम द्वारा लोगों को सहायता सभी निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। वह भी निरीक्षण किया एवं सफाई के निर्देश दिए। पूरे पुरुषोत्तम मास में भोजन भंडारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। आदि बद्री धाम, केदारनाथ धाम, चरण पहाड़ी, भोजन थाली, सभी धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। अपनी टीम के द्वारा सभी का जायजा लिया। उससे संबंधित आज फतेहपुर थाने के ग्राम मिठवारा में रियाज नामक युवक जो 24 वर्षीय है अपनी सगी बहन की हत्या गला काट करके कर दिया। उसकी बहन पूर्व में एक गांव के ही लड़के के जो उसी धर्म बिरादरी का है उसके साथ भाग गई थी, जिसमें उसके पिता के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था और वह जेल में था। इस लड़की से नाराजगी के कारण उसने गला काटा और इस सूचना पर पुलिस तत्काल गाँव में पहुँची और उसको गिरफ्तार कर ली है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आपका शुभ नाम क्या है जी? राधे राधे, मेरा नाम रूप सिंह है और हम पूरे श्री सिद्धदाता आश्रम फरीदाबाद से आए हुए हैं। हमारे गुरु महाराज जी पीछे बैनर देख रहे होंगे, पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज प्रेजेंट में हैं। पहले हमारे माँ गुरु महाराज जी ये थे श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी, उनके तत्वाधान में हमने 84 की जो परिक्रमा है जैसा हमने महत्व सुना है तो गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया कि इतने यात्रीगण आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो उनके आदेश अनुसार हमने यहाँ पर खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, उसके साथ साथ ठहरने की व्यवस्था, प्लस हमने यहाँ मेडिकल व्यवस्था की हुई है गुरु महाराज कृपा से। और हम हर वो सुविधा देने की कोशिश करते हैं जिससे यात्रियों को आराम मिले। ठहरने की, खाने की, चाय की सब सुविधा? हाँ जी, चाय की व्यवस्था सारा किया हुआ है, बाघ से लेकर सारा व्यवस्था जितना हमसे हो पाता है वो सारा कर रहे हैं। और इनका श्रेय हमारे यहाँ पर ये इन्होंने जगह दी, दीपावली गांव से हैं ये श्री देवी सिंह जी, इन्होंने हमें जगह प्रोवाइड कराई है और गुरु महाराज का और इनका बहुत सहयोग है और हो सकता है शायद निरंतर ये कई वर्षों तक, हो सकता है अनंत काल तक ये सेवा हमारी चलती रहे। गुरु महाराज का ऐसा हमें आदेश है, उनकी प्रेरणा है और इनका सहयोग है, हमें बहुत अच्छा इनका सहयोग मिल रहा है। तन मन धन से इनके बच्चे ये रात दिन लगे हुए हैं, यहाँ सैकड़ों हजारों यात्री आते हैं और हम भी हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छी व्यवस्था उनका।